हाँ बाबा पता है, तू तो हर बात अपने स्टेटस पे मेंशन करती है। पर सुन, कल आफ्टरनून में हमें शॉपिंग मॉल जाना है, याद है ना? हाँ बाबा पता है मुझे, मैं तभी निकल जाऊंगी, डायरेक्टली वहीं पे आऊंगी। चल अभी मुझे जाना है, चल बाय। ओके बाय। एसीपी शिवराज करो। आपने कल आपकी फ्रेंड अनाया की लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। जी हाँ। मुझे अनाया के बारे में सारी जानकारी। अनाया बिल्कुल ही ओपन माइंड लड़की है सर, और वो मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है। उसका मेरे सिवा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। वो हर बात शेयर करती है तो सिर्फ मुझसे ही करती है। उसका कोई बात है या कुछ शक्कर प्यार है? बिल्कुल नहीं सर, एक्चुअली वो अपनी करियर के बीच में ये सब चाहती ही नहीं थी। हाँ उसका एक्स बॉयफ्रेंड था, पर उनका ब्रेकअप हो चुके एक साल हो चुका है। एक्स बॉयफ्रेंड? जी उसका नाम रोहित कुमार है, वो एक जिम चलाता है, वो आपको वहीं पे मिल जाएगा। और ये अनया, इसकी कोई खास बात? हाँ उसे सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना बहुत पसंद था, और वो कोई भी छोटी सी छोटी बात हो वो पोस्ट करती थी। हाँ वो जब निरंजन सर के यहाँ फोटोशूट के लिए जा रही थी ना, तो उसने उस दिन पोस्ट डाला था। ये निरंजन सर कौन है? वो कास्टिंग डायरेक्टर है, अनाया उनके ही पास फोटोशूट के लिए जाती है। हमें उनका भी एड्रेस चाहिए। ये उनका कैंप है ना, बहुत बड़ा स्टूडियो है। ठीक है चल। क्या बात है सर? प्रॉपर मिस्टर रोहित कुमार, अनया कहाँ है? अनया आपकी एक्स गर्लफ्रेंड? मुझे नहीं पता, क्या बात है सर? देखिए मिस्टर रोहित कुमार, अनया दो दिन से लापता है, और हमें आपके और अनया के बारे में सारी जानकारी। मैंने अनया को शादी के लिए प्रपोज किया था, लेकिन उसने मना कर दिया। हमारे प्यार से ज्यादा वो अपने करियर को इम्पोर्टेंट मानती है। बस उसी दिन से हम अलग हो गए, फिर मैं उसे कभी नहीं मिला। आप उससे मिले या नहीं मिले ये तो हम पता कर लेंगे, लेकिन जब तक हम ये केस सॉल्व नहीं कर लेते आप इस शहर से बाहर नहीं जा सकते, समझे? चलो
जब तक हमें बॉडी नहीं मिल जाती हम ये नहीं मानते। प्रोग्रेस है विशाल, एक काम करो, जो रोड से अनायन की गाड़ी जा रही है उस रोड पर ऐसी कोई भी जगह, चाहे वो बर्फ पड़ा वगैरह नहीं हो या फिर कोई फैक्ट्री हो, गोडाउन हो या बिल्डिंग हो, ये सब जगह के पते निकालो। और हाँ, खबरी रतन को फोन करो, उसके नेटवर्क बहुत अच्छे हैं। सर बोलो विशाल। सर आपने जो गाड़ी के बारे में खबर बोलने बोला था, वो गाड़ी उस रोड के साथ बहुत सारी बिल्डिंग्स है, बहुत सारी फैक्ट्रीज है, बहुत सारे हरी जगह है, ऐसे में सर उस रोड को हम कहाँ ढूंढेंगे? हाँ हेलो साहब, गाड़ी के बारे में बोला आपने, दिखे थे साहब मंडल को पुरानी बिल्डिंग के पास, खबर पक्की है? पक्की कसम साहब। सर गाड़ी खबर नहीं, ए
लड़की को छोड़ दे। ए इंस्पेक्टर, कोई चालाकी नहीं, वरना मैं इस लड़की को मार दूंगा। चुपचाप अपने घर नीचे रख 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 बोला ना। वरना मैं इस लड़की को मार दूंगा। कोई चालाकी नहीं, चुपचाप घर नीचे रख अपनी रख। कभी कभी हम हमारी पर्सनल लाइफ को कॉमन करके खुद के लिए मुसीबत मोल ले लेते हैं। तुम्हारी जो पर्सनल स्टेटस पोस्ट करने की आदत थी, उसी का फायदा उठाकर उसने तुम्हें किडनैप किया। कभी कभी हमारी पोस्ट पढ़ने वाले सभी हमारे दोस्त नहीं होते, कुछ हमारे दुश्मन भी होते। आइंदा इस बात का ध्यान।